भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में बेची जा रही शराब की जब्ती के मद्देनजर प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला है। पार्टी ने इसे सरकारी खजाने पर डाका डालने वाला कृत्य बताकर चंदाखोरी का आरोप लगाया। पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ की सरकारी शराब दुकान में मध्य प्रदेश की शराब का बिकना इस बात का प्रमाण है कि प्रदेश सरकार के संरक्षण में अन्य प्रदेशों से शराब कंपनियों की शराब बेची जा रही है। इससे प्रदेश सरकार को होने वाली आबकारी राजस्व आय की खुलेआम क्षति हो रही है। घोटाले पे चुप रहकर कई संशयों को जन्म दे रही है। जिस प्रकार प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने वादा किया था कि प्रदेश में हम शराबबंदी लागू करेंगे, लेकिन अब सरकार यू टर्न इसलिए ले रही है कि शराब इनकी अवैध कमाई का एक बहुत बड़ा हथियार सरकार के हाथ में लगा है। अवैध रूप से शराब दुकानों से बिकवाई जा रही दुर्ग के प्रभारी